नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो। इसमें हम जानेंगे कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना अधिकारी वर्ग की रैंक, यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है और सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। थल सेना के अधिकारी वर्ग की रैंक, सबसे बड़ा ऑफिसर जनरल होता है, इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद मेजर जनरल, इसके बाद ब्रिगेडियर, इसके बाद कर्नल, इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके बाद मेजर, इसके बाद कैप्टन, इसके बाद लेफ्टिनेंट। अब बात करते हैं नौसेना अधिकारी वर्ग की रैंक के बारे में। सबसे बड़ा ऑफिसर एडमिरल होता है, इसके बाद वाइस एडमिरल, इसके बाद रियर एडमिरल, उसके बाद कोमोडोर, इसके बाद कैप्टन, इसके बाद कमांडर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद सब लेफ्टिनेंट होता है। बात करते हैं वायुसेना के अधिकारियों का पदक्रम रैंक। सबसे बड़ा ऑफिसर एयर चीफ मार्शल, इसके बाद एयर मार्शल, उसके बाद एयर वॉइस मार्शल, उसके बाद एयर कमांडर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, उसके बाद विंग कमांडर, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, इसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, इसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर होता है।